नमस्कार, हेलो, कोनिचीवा। बच्चों, क्या आप सब लोग जानते हैं कि आज इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे है और इसीलिए आज मैं आप सब लोग के लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। क्या आप जानना चाहेंगे ये कौन सी कहानी है? आइए देखते हैं। और ये कहानी है प्रथम बुक द्वारा पापा की मूछें और इस कहानी की लेखिका है माधुरी पुरांदरे। चलिए सुनते हैं ये मजेदार कहानी। इस कहानी में अनु है और उसके पापा है। अनु आप लोगों के जैसे ही एक प्यारी सी बच्ची है, तो सुनते हैं अनु की पापा की मूछों की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। अनु को अपने पापा की बहुत सी चीजें अच्छी लगती हैं। उनकी लटकने वाली चम चम चमकती लालटेने, उनके तले प्याज के करारे करारे पकोड़े, कागज से जो वो प्यारे प्यारे कछुए बनाते हैं, अनु को सब अच्छे लगते हैं। यही नहीं, सीढ़ियां भी वे उचक उचक कर चढ़ते हैं और फिर मामा से उनकी वे कुश्तियां जो वे मजे लेने के लिए करते हैं। मेहमानों के आने पर वे हमेशा उन्हें बहुत हंसाते हैं। अनु को अपने पापा की ये सारी चीजें बहुत पसंद है। लेकिन क्या आप जानते हैं अनु को अपने पापा की कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? क्या आप सोच सकते हैं? हाँ, आपने सही सोचा। अनु को सबसे ज्यादा पसंद है अपने पापा की मूछें। हर सुबह जैसे ही उसके पापा दाढ़ी बनाना शुरू करते हैं, अनु भी उनके पास आकर बैठ जाती है। वह ध्यान से उन्हें दाढ़ी बनाते हुए देखती है। उसके पापा अपनी दो उंगलियों में एक छुटकू सी कैंची पकड़ के खच 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 अपनी मूछों को तराशने में जुट जाते हैं। और अनु है कि कहती जाती है, थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं, नहीं ना पापा, आप अपनी मूछों को और छोटा मत कीजिए। आप अगर ऐसा करेंगे तो मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी, ऐसा करके वो भुनभुनाती है। और फिर जब पापा नहाकर बाहर निकलते हैं, तो अनु एक छोटी कंघी से बड़ी सफाई से उनकी मूछों के बाल काटती है, कुछ इस तरह। इसके बाद वह मूछों की नोक को अपनी उंगली की चुटकियों में पकड़कर उमेट देती है। बस फिर क्या, पापा की मूछें दिखने लगती हैं रौबीली और तन तना तन तन। सो अनु भी तन जाती है। लो, हो गया पापा, अब आप इसे बिगाड़ना नहीं, ठीक है? ऐसे वो अपने पिताजी को बोलती है। अनु हमेशा सोचा करती है, पापा अगर एक अच्छा कुर्ता पहन ले, सिर पर एक पगड़ी रख, अपनी कमर पर एक तलवार लटका लें और एक घोड़े पर सवार हो जाएं, तो कितने शानदार लगेंगे पापा, ठीक एक चश्मे वाले सैनिक की तरह, कुछ इस तरह। और अनु ने उनका चित्र भी बनाया है। क्या आप सब लोग देख सकते हैं? अनु को चित्र बनाना भी बहुत पसंद है, आप लोगों की तरह। सच बात तो ये है कि अनु को सारे मूछ वाले आदमी अच्छे लगते हैं, जैसे कि उसकी दोस्त स्मृति के पापा। ये मोटी मोटी मूछे हैं उनकी। मूछे काटने के लिए उन्हें एक अच्छे खासे मोटे कंघी की जरूरत पड़ती है। स्मृति के पापा टेनिस बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन सच में उन्हें तो एक पहलवान होना चाहिए था। वे यदि एक चुन्नट डाली पगड़ी पहन ले और अपने कंधे पर एक बड़ी सी गदा उठा ले, तो बहुत रूपीले दिखेंगे, कुछ इस तरह जैसा अनु ने अपने चित्र में बनाया है। अब देखते हैं और किसके पिताजी की मूछों के बारे में अनु ने लिखा है। साहिल के पापा। साहिल के पापा की मूछे पेंसिल की लकीर से भी पतली हैं। अनु सोचती है कि वह अपनी मूछे भला इतनी पतली कैसे बना लेते हैं। अगर वे एक काला कोट पहन ले, एक टोप लगा ले और एक काला चश्मा आंखों पर डाल ले, तो
तो वो एकदम उस टीवी वाले जासूस की तरह लगेंगे जो सब चोरों को पकड़ लेता है। और अनु ने उनका भी चित्र बनाया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है और किसकी मूछें अनु को पसंद है। लेकिन सबसे बढ़िया मूछें तो पास वाले मकान में रहने वाले उन दादाजी की है। ऐसा लगता है मानो एक बड़ा सा सफेद बादल आसमान से उतरकर उनकी नाक के नीचे आ बैठा है। अब उनका मुंह जो है उस बादल के पीछे छिपा सा रहता है। अनु को दादाजी की चिंता होने लगी है। उस बादल के रहते खाना कैसे खा पाते होंगे भला, ये हमेशा अनु सोचा करती है। अब देखते हैं अनु और क्या सोचा करती है। अनु सोचती है कि उसकी नाक के नीचे क्यों नहीं मूछें उगती। हर सुबह वे अपने साबुन को भिगोती है और ढेर सारा झाग बनाती है, फिर तरह तरह की मूछें बनाती है उस झाग से। मेरी मूछें सबसे अच्छी, वे कहती है, एकदम झक सफेद और मुलायम मुलायम है ना। तो ये थी हमारी आज की कहानी, अनु के पापा की मूछें। मैं आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई। मुझे बहुत मजा आया ये कहानी आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए। परंतु बच्चों, आज आप सब लोग को मुझसे एक वादा करना होगा कि आप सब लोग इन पुस्तकों को अपना दोस्त बनाएंगे और रोज एक कहानी जरूर पढ़ेंगे, अपने आप या फिर अपने माता पिता के साथ, परंतु एक कहानी रोज। और मैं इसी तरह आपके लिए और बहुत सारी मजेदार कहानियां लेकर आऊंगी और आपको सुनाऊंगी भी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए। इंतजार कीजिएगा मेरी अगली कहानी का। तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा, बाय बाय, सी यू।